पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ सक्सेना है। अच्छा, घटना घटी है आपके साथ में? मैं और मेरी मम्मी पीतल नगरी से आ रहे थे और हम लोग बुद्ध बाज़ार की तरफ जाने के लिए हो रहे थे, तो रोडवेज के ठीक सामने डिवाइडर है, वहाँ पर से हम मतलब डिवाइडर से रोड क्रॉस करके सामने की तरफ जाते रोडवेज की तरफ, तो खड़े ही थे, एकदम से दूसरी साइड से गाड़ी आती है और बहुत ज़ोर से जैसे किसी ने मतलब बहुत सारा एसिड एकदम से हम पे डाल दिया, तो एकदम तो समझ में नहीं आया कि क्या डाला है, वहाँ पानी पानी हो रहा था, तो ये लगा कि शायद कीचड़ उछल के आ गई है। जब एकदम ये जलन मचने लगी तो लगा कि किसी ने एसिड डाला है। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग बुद्ध बाज़ार जा रहे थे। साथ में कौन था आपके? मैं और मेरी मम्मी थे बस। मम्मी का नाम क्या है आपका? मम्मी का नाम अंशु सक्सेना है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग नवीन नगर MD। ये अभी बात हुई है, ये लोग यहाँ नवीन नगर के रहने वाले हैं, माँ और बेटा दोनों लोग पीतल नगरी से आ रहे थे। जो महिला हैं उनकी लगभग 50-52 साल की उम्र है, उनका बेटा है। मौके से अभी जब देखा गया तो मौके पर एक पॉलीथिन और जिसमें जो छोटी छोटी दो जो जल वाली कट्टी होती हैं उसमें से एक अभी भी उसके अंदर रखी हुई है और दूसरी फट गई है। संभवतः वो किसी के पास थी और वो गिरी है, वहीं उसमें एक बस निकल रही थी तो बस का टायर चढ़ने से संभवतः वो फटा है और उसका जो उसमें जो भी एसिड था वो छिटक गया, तो वो नीचे से क्योंकि ये बगल से निकल रहे थे उस समय, तो इनकी स्कूटी पर और इनके बॉडी के नीचे पार्ट पे लड़के के पैर पे और जो महिला है उनके हाथ पे वो गिरा है। संभवतः कोई एक्सीडेंट है ये। अभी हम लोग वो जानकारी कर रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति था जिसके पास था ये, उसकी पहचान करवाई जा रही है, लेकिन इसमें कोई एसिड फेंकने जैसी बात नहीं है, ये एक्सीडेंटली इस प्रकार की घटना हुई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।